पूर्णिमा साधवी जी का 25 तारीख को अगर 25 अगस्त को शाम 8 बजे सत्संग चालू है, ठीक है जी। पूर्णिमा साधवी जी आ रहे हैं, उनके भजन चलेंगे। और आप जानते हो पूर्णिमा साधवी मूल उद्देश्य ये है कि जो भी इससे पैसा इकट्ठा होगा, जो भी उसके बाद हम उसका सही उपयोग करेंगे। गरीब कन्याओं की शादी है, उसमें सहायता करेंगे, निसहाय की सहायता करेंगे, जो भी उसमें पैसा बचेगा। नहीं, इसमें कोई टिकट लगा रखी आपने? नहीं, टिकट नहीं। तो फिर पैसा कहाँ से आया? पैसा चीफ गेस्ट किए हुए हैं और है, बाकी हेल्प भी किया लोगों ने, पर्चियाँ भी काटी गई हैं, ठीक है जी। हाँ जी, चीफ गेस्ट जी हमारे प्रेम मलिक जी हैं, सेठी साहब हैं, मदनलाल जी सेठी जी हैं, श्री कमल जी हैं, गोयल कमल जी, गोयल जी हैं, अजय जी कमीरी हैं, गंगल भाई श्री रखी है हमने। जैसे बेसहारा गायें घूमती हैं, पशु घूमते हैं और वो शिकार हो रहे हैं, एक्सीडेंट के लोग शिकार हो रहे हैं, लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। तो हम सोच रहे हैं पैसे इकट्ठे करके और 200 या 300 400 गज हम जगह लेंगे, उस जगह में हम गौशाला बनाएंगे और जितनी भी बेसहारे गौ घूम रही है उनका वहाँ चारे का प्रबंध करेंगे, लड़का रख के उनकी हेल्प करेंगे, उनके साथ रखेंगे। ये सिस्टम बनाया हुआ है, हर घर में भैया विक्की भैया है हमारे, ये भैया हैं, निःशुल्क कीर्तन करते हैं। आगे आप विक्की भैया थोड़ा बताओ। श्री राधा माधव ग्रुप का कि ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, एक शाम राधा माधव के नाम, ठाकुर जी के नाम, हमारे पास जो भी कलेक्शन अगर कुछ बचता है तो ये धार्मिक कार्यक्रम पर ही लगाया गया है, यही हमारा लक्ष्य है। जैसे कि भैया मानव भैया ने बताया है कि गौएँ बेसहारा गौएँ बीमार गौएँ घूम रही हैं शहर के अंदर, बहुत नुकसान हो रहा है और उसके लिए भी हम, यही हमारा लक्ष्य है कि भाई अपना आप सभी लोगों के सहयोग से एक अच्छी बड़ी गौशाला बनाई जाए, जहाँ पर कि उन बेसहारा गौओं का यानी कि इलाज भी करवाया जाए और उनका इलाज करवाया जाए। और इसके अलावा हाँ जी, हमने ग्रुप बनाया है कि कीर्तन करेंगे हम घर घर जाके निःशुल्क, किसी से पैसे नहीं लगेंगे, जो पैसा आएगा वो गौशाला पे ही लगाया जाएगा, ये हमारा लक्ष्य है।